डॉक्टर ने जो इंजेक्शन देने को कहा था वो मैंने दे दिया है। अब महेश अंकल की तबीयत स्टेबल है, काफ़ी बेटर है, लेकिन फिर भी हम सबको इस रूम से बाहर जाना चाहिए। पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता कि इतने लोग उसके सर पर खड़े रहे। प्रीता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, महेश जी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं भी यही रहूंगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, भाई के साथ रहूंगी। अच्छा ठीक है, आप तीनों इधर ही रहिए, बाकी सब लोग बाहर चलते हैं। चलिए। करण को तो बहुत टाइम हो गया भांग पी के, तो इसे अब तक भांग का नशा क्यों नहीं चढ़ा? ये तो एकदम नॉर्मल लग रहा है, शोरेन से पूछते हो। I'm so happy डैड ठीक हो रहे हैं। जल्दी हम से बात भी करने लगेंगे। शोलिन, शोलिन कहाँ चली गई? डैड को स्टेबल करने के लिए थैंक यू सो मच। बट जेन्युइनली प्रीता जी, थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतनी हेल्प की। वो तो आई जस्ट फॉलोड डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शंस। डैम इट, महेश लूथरा ठीक हो रहा है? नहीं, वो इतनी स्पीड से ठीक कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। और प्रीता जी, इन्हें क्या हो गया है यार? इन लूथरास की हेल्प क्यों कर रही है? नहीं करनी चाहिए, ये लोग बहुत बुरे हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रीता जी को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मुझे ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि प्रीता जी इन लूथरास की हेल्प ना करें। प्रीता जी को लूथरास की हेल्प करने से रोकना होगा। पर कैसे, कैसे? इस होली ने हम सबकी जिंदगी में कितनी खुशियां भर दी ना सृष्टि। क्या करूं, क्या करूं, कैसे रोकूं प्रीता जी को? आइडिया। हाथ आगे कर। बख्शीश, खुश? क्या सर, क्या डाल रहे हो आप? इलेक्ट्रॉल पाउडर, वो देख रहे हो, वो खूबसूरत सी लड़की, वो मेरी पत्नी है, मेरी प्यारी बीवी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत जिद्दी है, मेरी बात ही नहीं सुनती है, अपना ध्यान नहीं रखती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला ग्लास तुम जाके उन्हें सर्व करो, है ना? मैं चाहता हूँ वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो क्या ना, कल रात को हमारा झगड़ा हुआ था, अगर मैं जाकर ये दूंगा तो नखरे करेगी। तो प्लीज ये वाला जो ग्लास है वो सिर्फ उनको जाकर देना। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके सर। ड्रिंक। थैंक यू, अच्छे मौके पे आया। तो मैडम जूस? नो थैंक यू। मैम लीजिए ना, सब ले रहे हैं। नहीं, ले लो ना प्लीज। हमारे लिए कोई ड्रिंक नहीं? अरे भाई, आते वक्त दो ग्लास लेकर आना जूस। मैं भी आता हूँ। प्रीता बेटा, मम्मी जी को चाय पीने का मन कर रहा है, तुम बना दोगी प्लीज? हाँ हाँ, रखे आंटी, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। और किसी को पीनी है? नहीं, मैं भी आती हूँ आपके साथ। आती हूँ, रखे। फाइनली इतने टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है।
I'm so thankful to God. I'm so happy. Fantastic. तूने तो कमाल ही कर दिया पृथ्वी. उस वेटर के हाथों प्रीता जी को नशे वाला जूस पिला दिया. प्रीता जी जैसे ही वो नशे वाला जूस पियेंगी, फुल टू नशे में आ जाएंगे और उसके बाद प्रीता जी उस महेश लूथरा की मदद नहीं कर पाएंगे और ना ही उस गिल्ली डंडा प्लेयर के करीब जा पाएंगे. इसे कहते हैं एक तीर से दो वार. देखिए प्रीता जी, देखिए आपके होने वाले पति ने क्या चाल चली है ना. प्रीता जी को तो मैंने हैंडल कर लिया, अब बारी उस अधमरे महेश लूथरा की. सर ये स्पेशल ड्रिंक है, आपके लिए नहीं है. तो किसके लिए? तेरे खुद के लिए. शोपी सही है, स्पेशल ड्रिंक है. मैं भी स्पेशल हूँ, बताऊँ कौन हूँ मैं? पीएम हूँ, पीएम. अरे बुरा मत मान यार, मजाक कर रहा हूँ, मेहमान हूँ यहाँ का मैं. ओह गॉड, इन्होंने तो ये भांग वाली ड्रिंक पी ली. अब शर्लिन मैम को क्या बोलूंगा, इस ट्रे के सारे ड्रिंक में भांग मिला हुआ है. ऐसे क्यों देख रहा है जैसे मैंने जहर पी लिया. एक बात पूछूं? हाँ. आपके लिए ये लूथरा फैमिली कुछ ज्यादा ही मायने रखती है ना, आपको पता है ना? हाँ मुझे पता. तो आपको ये भी पता होगा ये जो स्टुपिडिटी माहिरा ने की है उसे लेकर आपने उसको कुछ सुनाया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं उसको, बस अब महेश अंकल की ट्रीटमेंट में लगे. सृष्टि, महेश अंकल के आगे माहिरा कुछ है? नहीं. She doesn't mean anything to me. महेश अंकल मेरे पिता के समान है और उनकी तबीयत इस तरह खराब हो गई तो तुझे लगता है मेरे दिमाग में कुछ और आएगा? उस पल के लिए कुछ और सोच भी नहीं सकी, बस पूरा ध्यान इसी में लग गया कि कैसे उनकी तबीयत को स्टेबल करें. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माहिरा ने जो हरकत की है, जो बेवकूफ़ी की है, उसके लिए मैं उसे सुनाऊंगी नहीं. अरे माहिरा ने क्या बेवकूफ़ी की? हाँ, बेवकूफ़ों वाली हरकत की. मैं कुछ समझा नहीं पिता. मैं समझाती हूँ. एक्चुअली माहिरा ने दी को गेस्ट रूम के बाथरूम में बंद कर दिया. What? और उसके बाद जब मैं उस रूम में आई तो माहिरा ने मुझे बेड पर धक्का दिया और बाहर जाकर बेडरूम का दरवाजा लॉक कर दिया. इन शॉर्ट उसने मुझे और दी को दोनों को एक कमरे में लॉक कर दिया. माहिरा का दिमाग खराब है क्या? वो ऐसे कैसे कर सकती है? हमने उसे कुछ कहा नहीं क्या? नहीं कहा, लेकिन कहूंगी, वक्त आने दो. अरे क्या बोल रही हो पिता यार, दिस इज अ वेरी बैड आइडिया. देखो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा सारा ध्यान और अटेंशन महेश चाचू की हेल्थ पर है, अंडरस्टैंड दैट. लेकिन तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर्स आ रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए. लेकिन प्लीज जाके पिता तुम माहिरा को हैंडल करो यार, यही सही टाइम है. सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएगी यार, क्रिटिकल हो जाएगी, प्लीज. लेकिन समीर, अभी अभी तो महेश अंकल को होश आया था, सब लोग इतने खुश हैं कि उनकी तबीयत में बदलाव आया. अरे पिता, अगर माहिरा ने फिर से कुछ कर दिया तो. एक मिनट, एक काम करते हैं, मेरे पास एक आइडिया है. क्या? टिट फॉर टैट करते हैं. नहीं मतलब आपको लूथरा फैमिली के साथ वक्त बिताना है ना. हाँ. उसके लिए हमें पहले माहिरा को इस फैमिली से दूर करना होगा. जैसे ही माहिरा फैमिली से दूर हो गई, आप लूथरा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. हाँ लेकिन हम ये कैसे करेंगे, ये भी तो आगे बता. अरे वही तो मैं कह रही हूँ, टिट फॉर टैट. जैसे माहिरा ने हमारे साथ किया, हम माहिरा के साथ बिल्कुल वैसा करेंगे. उसने हमें लॉक किया, हम भी उसे लॉक करेंगे. ओके, दैट्स अ गुड आइडिया. अच्छा चल फिर फटाफट पहले यही काम निपटा लेते हैं. वो उसको कमरे में बंद कर देते. एक मिनट, आप चाय बना रहे हो और ये सब काम करने का हक मेरा है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप महेश अंकल और राखी आंटी के साथ रहिए, आप करण सर के साथ टाइम बिताइए, उनका साया बन के उनके साथ रहिए. ये सब हम हैंडल कर लेंगे, या तो मैं हैंडल कर लूँगी. ठीक है चलो फिर, बहुत अच्छा हो गया. तुम लोग माहिरा को बंद कर दो और मैं ना ये चाय बन गई है, पहले सबको चाय पिला देती हूँ, उसके बाद सीधा करण के पास जाऊंगी और करण के साथ बैठती हूँ. ये तो छोड़ो मुझे, एक कप छोड़ देना. चलो ऑल द बेस्ट. हाँ दी. वैसे सैम, जो माहिरा ने इतनी स्टूपिड हरकत की है हम लोगों के साथ, तुम्हें नहीं लगता कि ये बात हमें करण सर को बतानी चाहिए? नहीं मतलब अगर करण सर को पता चल गया तो करण सर खुद ही माहिरा से दूर रहेंगे,
तो प्रॉब्लम ही सॉल्व। सृष्टि मुझे एक बात बता, अगर ये सारी बातें मैं करण भाई को बता देता तो क्या पिता शादी के बाद अपनी पहली होली पर यहाँ पर होती क्या? क्या पिता महेश चाचा को पहली बार ऐसे ठीक होते हुए देख पाते? क्या करण भाई और पिता से होली खेलते एक साथ? क्या टूटे हुए दिल दोबारा मिलते? क्या आज के दिन भाई पुराने वाले दिन हम देख पाते? नहीं ना। फिर क्या बात है सामी, तुम थोड़ी मैच्योर वाली बातें करने लगे। किट पाय, चाय पियो। आ रही हूँ। क्यूटी पाय, वो तो मैं हूँ। टाका, मर्डर करना है, जान से मार डालना है, और उस इंसान का नाम है महेश लूथरा। तू यहाँ पे हो? वो करण को तो अभी तक नशा ही नहीं चढ़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। टाइम तो हो गया है ना माहिरा, भांग का नशा चढ़ेगा, थोड़ा वक्त लगता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चलेगा, जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है? बताया तो था तुमने, लेकिन मुझे ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। मुझे पता है क्या लग रहा है कि करण अगर महेश अंकल की देखरेख में लग गया और उसके बाद उसे नशा चढ़ा, तब तो पूरी फैमिली होगी ना उसे संभालने के लिए। फिर मैं हाँ दी, किस तरफ जाना है? अच्छा ओके ओके। अरे नहीं नहीं, माहिरा और शर्लिन को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अरे उनको कौन बताएगा कि मैं आउट हाउस के स्टोर रूम में जा रही हूँ महेश अंकल के लिए पोस्टेड बॉक्स लाने। दी, जैसे मैं वो पोस्टेड बॉक्स लेकर आऊंगी ना, मैं आपके हाथ में दे दूंगी। फिर आप ना राखी आंटी को दे देना, फिर देखना राखी आंटी के सामने, उनकी नजरों में आप एकदम बेस्ट हो जाओगे, आपका स्कोर हाई हो जाएगा। हाँ ट्रस्ट मी दी, मैं हूं ना आपके साथ। अरे जब मैं हूं तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, यू डोंट वरी। ओए मायरा, रुको, छोड़ो छोड़ो मुझे। दी, मायरा और शैलिन को अपने प्लान के बारे में पता चल गया, वो लोग भाग के जा रहे हैं। भागे कहाँ है? मैंने इनको भगाया है, अब देखना इनको कैसे मजा चकाती हूँ। बाकी पुत्र, मैंने तुझे कहा था ना, मेरा दिल कह रहा है कि मेरा पुत्र ठीक हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, बोला था ना मैंने। कहा था आपने, और आपने जो कुछ भी कहा था सब सच हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली भाई को होश आ गया। दादी, इस दुनिया की सारी ही सुंदर लेडीज तो यहाँ पर हैं, क्या ठीक है? माँ बस अब कम ऑन दादू, बस अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों को क्या लगता है, पर आप लोगों ने बहुत सारा प्रेशराइज कर दिया ना डैड को कि जल्दी उठो, जल्दी ठीक हो जाओ, हमारे साथ बैठ के बातें करो। मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डैड हमारी सारी बातें सुन सकते हैं और वो ये भी फील कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना प्रेशर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी थोड़ी देर के लिए डैड को हमें अकेला छोड़ देना चाहिए, इनको रेस्ट करने देते हैं और हम लोग बाहर चलते हैं। पिताजी ने गर्म गर्म चाय बनाई है, हम लोग चाय पीते हैं, सारे गेस्ट को सी ऑफ करते हैं, उसके बाद वापस आके फिर से डैड को प्रेशराइज करेंगे कि जल्दी से उठ। ओके दादू, चलें बाहर थोड़ी देर के लिए। अभी सुनो दादू, आप टेंशन मत लो, डैड ठीक हो जाएंगे। अभी प्रीता जी ने कहा क्या कहा कि वो जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी रिकवर होंगे, ठीक है? देख मुझे नहीं बैठने दे रहे, तेरे पास लेके जा रहा है। अच्छा अभी आपका जितना दिल करे उतना बैठ, चलो हम चलते हैं। कम मामा, आती हूँ महेशी। चले मैं महेशी। सृष्टि कितनी स्टूपिड है, हमारे सामने बात कर रही है, उसे लग रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा। अब हम जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हैं और मम्मी जी को दे देते हैं, कितनी खुश हो जाएंगे वो। ये स्टोर रूम यहाँ आउट हाउस में क्यों है? घर के अंदर होना चाहिए ना। पता नहीं लूथराज ने क्या सोच के बनवाया है।
जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढते हैं, चलते हैं यहाँ से। वैसे महेश अंकल का फर्स्ट एड बॉक्स यहाँ रखने की क्या जरूरत थी? ओह गॉड, कहीं उन लोगों ने हमारी चाल हम पर ही तो नहीं चल दी? मतलब मतलब ये कि हमने प्रीता को बाथरूम में बंद कर दिया था, कि अपना सृष्टि ने प्रीता को बाथरूम से निकाल दिया हो और फिर उन लोगों ने हमारी चाल ही हम पर चलने की कोशिश की, यानी कि वो लोग हमें इस रूम में बंद करने का प्लान कर रहे हैं। हमें ऐसे निकलना होगा। प्रीता, प्रीता दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। कोई दरवाजा नहीं खोलेगा और तुम इस स्टोर रूम में बंद ही रहोगी दोनों की दोनों। प्रीता, मायरा तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम सृष्टि और मुझे कमरे में बंद कर दोगी तो अपना घटिया प्लान सक्सेसफुल कर लोगी, हम तुम्हें रोक नहीं पाएंगे? और शालिन, तुम्हें शर्म नहीं आती माहिरा के साथ मिलकर ये घटिया प्लान बनाते हुए? खैर मैं ही पागल, तुमसे क्या शर्म की बात कर रही हूँ, तुम्हारी बॉडी में तो शर्म पैदा करने वाला सिस्टम ही नहीं है। शट अप प्रीता, दरवाजा खोलो। एक्चुअली नो, डोंट शट अप, चिल्लाओ, खूब चिल्ला, जितना चिल्लाना उतना चिल्ला, पर तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा क्योंकि तुम स्टोर रूम में हो, वो भी आउट हाउस के, घर से बहुत दूर है और घर में होली मन रही है, किसी को तुम्हारा ध्यान भी नहीं है, तो तुम जितना भी चीखोगी चिल्लाओगी कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। बड़े अफसोस की बात है, अगर तुम दोनों पर मुझे जरा भी भरोसा होता ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें अपने साथ जरूर लेकर जाती लूथरा हाउस, ताकि तुम लोग भी देख सको कि आज लूथरा परिवार कितना खुश है कि महेश अंकल को होश आया है। तुम दोनों भी देख सको कि तुम दोनों के होते हुए भी लूथरा परिवार कितना खुश है, लेकिन तुम दोनों तो इस लायक भी नहीं कि दूसरों की खुशी देख तक सको। अब सड़ो अंदर, कोई तुम्हारी आवाज नहीं सुनने वाला। हैप्पी होली। शिशुदेव पैर पे लगी है ना, चलो बैठ। थैंक गॉड करण नॉर्मल है। मैंने और मेरी स्वीट सी छोटी बदमाश बहन ने मिलकर करण को माहिरा के उस घटिया प्लान से बचा लिया। प्रीता, क्या हुआ? हाँ, बहुत खुश हूँ। आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। हैप्पी होली। मुझे पकड़ो जल्दी, मैं उड़ जाऊंगा। प्रीता, ओह माय गॉड, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने भांग पी ली? तुमने भांग वाली ड्रिंक पी ली? व्हाट? तुम्हें पीनी भांग वाली थी? नहीं, मुझे क्यों पीनी होगी? तुमने भांग क्यों पी? मैंने तुम्हें मना किया था ना, देखो ये सब हो रहा है। तुम बस मेरा हाथ पकड़ लो बस। नहीं, तुमने गलत काम किया है, मुझे नहीं पकड़ना तुम्हारा हाथ। मैं उड़ जाऊंगा, प्लीज उड़। ये आंख क्यों मारी जा रहे हो? आंख क्यों मारी जा रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? वो मेरी आंखें मैं मारूंगा यार। और ये मेरी, ये क्या फिर आंख मार रहे हो? ये मेरी दुश्मन, दुश्मन यहाँ तुम्हारे बहुत दुश्मन है। तुमने क्यों पी भांग? बस मुझे पकड़ लूंगा ना, मैं उड़ जाऊंगा यहाँ। थैंक यू मेरा हाथ पकड़ने के लिए। मैंने तुम्हारा हाथ कोई नहीं पकड़ा हुआ, तुमने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। मुझे आंख मार रहे हो ना, उसी आंख से देख लो जरा। क्या हजार तुमने मुझे हक किया, वो भी बहुत कस के। चल झूठे, चल झूठे, रहने दो, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। प्रीता, क्या है?
मत जाओ ना। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागे, धड़कन से तेज दाड़ू सपनों से आगे। अब जान लुट जाए ये जहां छूट जाए, संग प्यार रहे मैं।